जीवन मरण जो शैली है इस संसार की, जो आता है वो जाता है। मृत्यु ऐसा पड़ाव होता है जो दुख के घने बादलों का साया परिवार के लिए लेकर आता है। अंतिम संस्कार एक ऐसा मोड़ जहां सिर्फ शोक होता है। हर धर्मों में अलग तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, पर सब में एक बात समान जो होती है वो है कि पूरी विधि दिन में की जाती है। लेकिन एक समुदाय ऐसा है जहां अंतिम संस्कार को रात में किया जाता है और जिल्लतों के साथ मृतक को अंतिम विदाई दी जाती है। किन्नर एक ऐसा समुदाय जिन्हें लोग नौटंकी से लेकर क्या कुछ नहीं कहते, लेकिन ये वही समुदाय है जो हर खुशी में शामिल होते हैं। किसी का जन्म हो या शादी, हर एक खुशी के अवसर पर ये मौजूद रहते हैं। कहते हैं कि इनका आशीर्वाद सौभाग्य वालों को ही मिलता है, और जिसको भी मिलता है उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनकी जिंदगी जिल्लत से भरी होती है। इनका आधा शरीर नारी का और आधा पुरुष का होता है। ये लोग अपने जन्म को श्राप मानते हैं। इनका पूरा जीवन दुख के साथ ही बीतता है, लेकिन बावजूद इसके वो जहां भी जाते हैं केवल खुशियां बांटते हैं। बात करें इनकी मौत की, वो किसी की भी सांसें थमा सकते हैं। कहते हैं कि नरों को उनकी मौत का पता होता है, या जो भी उनका गुरु होता है वो इस बात को जानता है कि कब उसकी मौत होगी। जैसे जैसे उनकी मौत उनके करीब होती है, वैसे वैसे वो खाना पीना छोड़ देते हैं और सांसारिक माया से दूर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, और दिनों रात बस एक ही कामना करते हैं कि भगवान अगले जन्म में उन्हें किन्नर ना बनाए। ये किन्नर मानते तो हिंदू देवी देवताओं को, पर अपनाते ये इस्लाम धर्म भी हैं। किन्नर की मौत होने के बाद पूरा किन्नर समाज एक जगह इकट्ठा होता है और शरीर पर कफन को चढ़ा देता है, पर ये कफन को बांधते नहीं। इनका मानना है ऐसा करने से आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। किन्नर समुदाय शव यात्रा को रात में निकालते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि जो भी इनकी शव यात्रा को देखता है वो भी अगले जन्म में किन्नर बनता है। जिसलिए शव यात्रा को रात के अंधेरे में निकाला जाता है ताकि कोई इसे देख ना सके और किसी को भी ऐसा नर्क जैसा जीवन ना मिले। वो शव को चप्पलों से मारते हैं, पीटते हैं। आम लोग भले ही इसे अजीब और डरावना मानते हों, लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस योनि में जन्म लेकर ही उसने गलती की। इस सब के बाद वो अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करते हैं और यही मांगते हैं कि उन्हें दोबारा नर्क जैसा जीवन ना मिले। जहां पूरी दुनिया अंतिम संस्कार को शोक के साथ मनाती है, वहीं किन्नर समाज ये मानता है कि उनकी मृत्यु ने उन्हें इस नर्क जैसे जीवन से मुक्ति दे दी, और तभी वो उसे चप्पलों से पीटते हैं कि अगला जन्म उसे इंसान की योनि में मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।